अच्छा भाई, ये 11 न्यूमेरिकल है डेल्टस लॉ का, सीरीज का, ये तुम्हारे सामने है। इसका सॉल्यूशन मैंने नहीं किया हुआ, इसका डेटा बना हुआ है। तो कंडीशन देखो, कंडीशन क्या है, फोर कंटेनर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम आर फिल्ड एज फॉलोज। चार एक जैसे एक ही वॉल्यूम के अलग अलग कंटेनर्स हैं और चारों कंटेनर्स की कंडीशंस आपको दी हुई है। एक कंटेनर के अंदर 2 ग्राम हाइड्रोजन है 0 डिग्री सेल्सियस पर, एक कंटेनर में 1 ग्राम हाइड्रोजन है 273 डिग्री सेल्सियस पर, एक कंटेनर में 28 ग्राम नाइट्रोजन है 273 डिग्री सेल्सियस पर, और एक कंटेनर में 17 ग्राम मीथेन है 273 डिग्री सेल्सियस पर। आपसे बोल रहे हैं कि इन चारों में से किस कंटेनर का प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, किस कंटेनर का प्रेशर सबसे कम होगा। तो डेटा बना लिया आपने, देखो, गिवन मास ऑफ H2, गिवन मास ऑफ H2, गिवन मास ऑफ N2, गिवन मास ऑफ CH4। ये टेम्परेचर है 273 केल्विन, 5 46 केल्विन, 546 केल्विन और 546 केल्विन। अच्छा, इसका भी प्रेशर निकालना है, कंटेनर ए का प्रेशर कंटेनर बी का निकालना है, कंटेनर सी का भी निकालना है और कंटेनर डी का भी प्रेशर निकालना है। आर की वैल्यू सेम है, वॉल्यूम चूंकि कहा कि इक्वल वॉल्यूम है सारे कंटेनर्स का, तो मैंने सपोज कर लिया कि उसकी वैल्यू 1 है, कंटेनर की वैल्यू 1 है, ये मैंने कंसिडर कर लिया। ठीक है अच्छा सर, ये हम कंसीडर में कोई सा भी नंबर ले सकते हैं? बेटा, कोई सा भी नंबर लेने पे एक इशू है, और वो ये है कि आंसर जो आएगा ना वो बड़ा छोटा आएगा। यानी कि अगर मिसाल के तौर पर मैं 1 से सॉल्व कर रहा हूँ, और 1 से सॉल्व करने पे फॉर एग्जांपल कंटेनर ए का आंसर आया, इसका आंसर आया 2, कंटेनर ए का आंसर आया 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर आ गया। ठीक है, कंटेनर बी का आंसर आया 2, और कंटेनर सी का आया 3, और कंटेनर डी का आया 4। फॉर एग्जाम्पल 2, 2, 3 और 4। अब तुमने अगर मिसाल के तौर पे वॉल्यूम 2 dm³ ले लिया ना, तो तुम्हारा आंसर 2 से बढ़कर इसका 4 आ जाएगा, इसका 4 आ जाएगा, इसका जो है वो 6 आ जाएगा, इसका 8 आ जाएगा, ये होगा। मतलब आंसर उसको भी गलत लेकिन नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसमें भी यही है कि इनमें से ज्यादा प्रेशर डी का है, कम प्रेशर जो है वो ए और बी का है। आंसर गलत तो उसे भी नहीं माना जाएगा। यस सर, सर 1 ओके रखना जरूरी नहीं है? नहीं, 1 रखना जरूरी नहीं है, सेम रखना जरूरी है। सही है। बाकी फिर पीवी, इनके नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर लेना, डिवाइड करके सबके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। जब सबके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएं, तो फिर पीवी एनआरटी अप्लाई करना कंटेनर ए बी सी डी चारों के लिए, आपको सबके प्रेशर पता चल जाएंगे। आखिर में स्टेटमेंट लिख देना कि भाई किस कंटेनर का प्रेशर सबसे ज्यादा है, किस कंटेनर का प्रेशर सबसे कम है। ओके सर। अच्छा सर, ये क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग को, क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसमें वो हो तो गए मुझसे, लेकिन हम लोग को जो H2 के मोल्स दिए हुए ना वो 0.5 दिए हुए, जबकि अगर हम, हमें गिवन वैल्यू भी दी हुई है, W भी दिया हुआ है H2 का, और हम अगर निकाल लें ना उसके मोल्स, तो 1.5 आ रहे हैं वो। अच्छा, जी सर, मैंने भी निकाले थे। यस सर, तो ऐसा फिर है। 1.5 से सही आंसर आ रहा है और 0.5 से सही आंसर नहीं आ रहा, यानी प्रेशर जो है H2 का वो 1.5 से सही आ रहा है, 0.5 से नहीं आ रहा। 1.5 से कितना आ रहा है? 0.5 से इसका आ रहा है आंसर 0.851, और 0.851 को है ना सबको, मतलब सबको प्लस कर रहे हैं ना, तो उसका पीटी भी इक्वल आ रहा है। अच्छा, और ये अगर मिसाल के तौर पे 0.5 रखकर मैं इसका प्रेशर मालूम करूँ और बाकियों का भी प्रेशर निकालूं, तो पीटी इक्वल नहीं आ रहा। हाँ, पीटी कम आ रहा है सर, मैं आपको बता देती हूँ कितना फर्क है उसमें। हाँ बता दो, क्योंकि मैंने भी सॉल्यूशन शायद उसी हिसाब से किया हुआ। अमोनिया का मोल निकाला, कार्बन डाइऑक्साइड का, हाँ मैंने उसी हिसाब से बेटा किया हुआ है, तो मेरा आंसर भी गलत आ रहा होगा। हाँ, आंसर में जो फर्क आ रहा है, जो 1.5 रख के PH2 निकाल लेना, उसमें आंसर आ रहा है 0.851, और 0.5 रख के बना रहे हैं, वो निकाल लेना आंसर, तो उसका आंसर आया 0.283। अच्छा, तो फर्क आ रहा है, समझ इतना नहीं फर्क पाया आ ना। रहा है, बस ज्यादा जैसे नहीं है, लेकिन पीटी पीटी तो इस सवाल में नहीं किया हुआ है ना। हाँ, पीटी नहीं दिया हुआ, लेकिन मैंने इस तरह से किया है कि मैंने CO, इन सब के मोल निकाल दिए अलग अलग से,
सही है सही है, और मैंने 0.5 कंसीडर नहीं किया इसको, इसको मैंने अलग से निकाला H2 का, सही है 1.5 लिखा, फिर मैंने इन सबको प्लस करके एंटी निकाल दिया, सही है सही है, हम लोग को NH3 में वो दिया, हाँ सही सही सही, एंटी तो तुम्हारा ज्यादा ही आएगा, मेरा कम आएगा, हाँ फिर मैंने जो वो है, अच्छा मेरा जो एंटी आ रहा है वो आ रहा है 3.912, हाँ सही है सही है, और हम लोग को NH3 का वो दिया हुआ था पहले से, पार्शियल प्रेशर दिया हुआ था, सही है 0.8, वही है मैंने वो फॉर्मूला निकाला, पी ए अपॉन पी डी इक्वल्स टू एन ए अपॉन वो एंटी, वो फॉर्मूला रख के मैंने पी टी निकाल दिया NH3 की, रख के NH3 का मोल रख के और टोटल वो करके, और उसके बाकी उससे हम लोग के पास पी टी आ गया मेरे पास, और उन दोनों को निकाल लिया मैंने सेपरेट करके, PH2 और PCO2 को, सही किया अप्रोच तो आंसर बिल्कुल मेरा सही यूज किए, सही है अप्रोच तुमने बिल्कुल सही यूज किए, असल में ये मेरी गलती है कि मैंने यहाँ पे जो मोल्स दिए हैं ना हाइड्रोजन के, तो ये इसकी वजह से ये इशू बन रहा है, वैसे हाँ ये 1.5 ही आना चाहिए, और सर अगर अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन मतलब हम लोग को दिया हुआ हो एग्जाम में या उसमें, और इसमें हम लोग का जैसे अब ये हुआ है कि H2 का मोल कुछ और निकल रहा है, लेकिन हम लोग को ऑलरेडी गिवन है, लेकिन वो ये गिवन किया हुआ है, तो हम लोग तो क्वेश्चन वाली करेंगे ना एग्जाम में, तो फॉलो बेटा खुद से देखो तो अलग से तो नहीं निकालेंगे ना, ये ब्लंडर है, ये गलती है, ठीक है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ठीक है, ये मेरी गलती है, क्योंकि ये कोई पास्ट पेपर का न्यूमेरिकल नहीं है, ये मैंने तुम लोगों को बताया भी था कि जो शुरू के जो हेडिंग वाले न्यूमेरिकल्स हैं, ये मैंने खुद ही बैठे बैठे जहन में आते गए सवालात में बनाता चला गया, तो ये वो न्यूमेरिकल्स हैं। अब इसमें जब मैं ये क्वेश्चन बना रहा हूँ तो मैंने पहले मार्क्स दे दिया होगा, अच्छा उसके बाद मुझे शायद यकीनन याद ही नहीं रहा होगा कि मैंने मार्क्स दिया हुआ है पीछे, मैंने आगे उसके मोल्स भी दे दिए, ठीक है ना, तो ये मुझसे गलती हुई है, इसको हम अभी सही कर लेते हैं। असाइनमेंट में ना सार तुम एक काम करना, जो तुम्हारे पास जो असाइनमेंट है मैंने जो दिया है ना, उसमें जहां जहां जो जो गलतियां है ना उसको हाईलाइट कर लेना, जैसे ये वाली जो गलती आ रही ना, ये वाला 0.5 वाली, इसको भी अपने पास हाईलाइट कर लो, जहां जहां जो जो आंसर सही निकाल रहे हो उस आंसर को भी अपने पास नोट करते जाओ, ताकि मैं अपने असाइनमेंट में ना उसको करेक्ट कर लूं, वरना ये फिर आगे दूसरे कैंपस के बच्चे, वाटर पम्प कैंपस वाले जो है ना, वो थोड़े से मुझे मसला करेंगे इन सारी चीजों में, उनको यकीन नहीं चीजें नहीं आ रही होंगी, अब मुझे सॉल्यूशन। अच्छा सर डेटर्स लॉ में हम लोग को शुरू के आई गेस क्वेश्चन नंबर 3 तक या फिर 4 तक आंसर दिए, उसके बाद नहीं दिए हुए, हाँ तो वो ये मैंने एक डॉक्यूमेंट कंफर्म करने है, सही है, इसके लिए मैं ये कर रहा हूँ कि ये वाले जो डॉक्यूमेंट न्यूमेरिकल्स है ना, ये मैं खुद सॉल्व कर रहा हूँ सारे, देख रहे हो अच्छे खासे मैंने सॉल्व कर दिए हैं, और कुछ और रह गए मजीद, तो तुम लोग जब तक सॉल्व करो तब तक मैं इंशाल्लाह इसको कंप्लीट सॉल्व कर लूंगा सारे सवालों को, जब सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे तो मैं ये PDF ही इसकी बनाकर अपलोड कर दूंगा तुम्हारे ग्रुप पर ना, तो तुम्हारे पास ये। अच्छा अभी इरजा तुम्हें 18 और 19 में इशू आ रहा था ना, जी सर एक मिनट 18 देख लेते हैं, देखो एक गैसियस मिक्सचर है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, 60°C टेम्परेचर है गैसियस मिक्सचर का, टोटल प्रेशर दिया हुआ है 2.5 एटमॉस्फेयर, और आगे क्या कह रहे हैं 75% हाइड्रोजन दिया हुआ है बाय वॉल्यूम, हाइड्रोजन कितना है 75% बाय वॉल्यूम, यानी उसको हम नंबर ऑफ मोल्स ले सकते हैं 75 मोल, ठीक है ना, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ टू गैसेस, बाकी दो गैसेस के जो पार्शियल प्रेशर्स हैं वो आप बता दो, देखो जितना वॉल्यूम होता है उतने नंबर ऑफ मोल्स ले सकते हैं, अभी हमने पीछे एक सवाल किया था उसमें बताया था, तो 75% हाइड्रोजन बाय वॉल्यूम को हम ले लेते हैं 75 मोल ऑफ हाइड्रोजन, अब लाजमी सी बात है 75 मोल अगर हाइड्रोजन के हैं और गैसियस मिक्सचर दो ही गैसेस का है, तो बाकी बचा हुआ 25% यकीनन दूसरी मोल दूसरी गैस होगी, तो ये जो ऑक्सीजन है वो 25 मोल होगा, टोटल मोल कितने आ गए 100 मोल, ये दोनों गैसेस के मोल आ गए, ये पीटी आ गया, अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा डेल्टन्स लॉ का, पीटी गिवन है, NH2 गिवन है, NT गिवन है, PH2 आ जाएगा, फिर अगेन दोबारा फॉर्मूला लगाऊंगा, पीटी गिवन है, NO2 गिवन है, NT गिवन है, PO2 आ जाएगा, सिंपल है, ठीक है, ओके सर, यस सर। अच्छा 19 में क्या प्रॉब्लम आ रही है, थैंक यू सर, इसमें कौन
इसमें हमें NTB फाइंड करने हैं, और तो इसमें डेटा की मैंने कम P इसमें डेटा की कमी है बेटा, ये हो नहीं पाएगा। जो भी हाँ इसमें डेटा की कमी है, क्योंकि मैंने भी इसको पूरा सॉल्व नहीं किया हुआ, देखो अधूरा छोड़ा हुआ। तो इसमें डेटा की कमी है कुछ, अब क्या कमी है ये मुझे देखना पड़ेगा। तो इसलिए सहार इसको भी बेटा मार्क कर लेना, 19 को भी अपने पास। ओके सर, सर तो इसको छोड़ दें अभी हम ना। हाँ इसको छोड़ दो, बाकी आगे वाले देख लो, 20 21 22 तीन ही रह गए, उसके बाद तुम्हारा तो असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटे, ठीक यस सर। अच्छा भाई। और बाकी अर्सलना और मारिया मरियम, तुम लोगों को किसी न्यूमेरिकल में कोई इशू आ रहा है तो बताओ। नहीं सर, फिलहाल तो नहीं आ रहा। नहीं सर अभी, हाँ आगे नहीं आ रहा। के ठीक है, फलीद और सुफियान बेटा किसी न्यूमेरिकल में इशू आ रहा है तो बताओ। वलीद सुफियान ठीक नो सर। सर बेटे, हीलियम हीलियम का एटॉमिक मास 4 होते हैं? का, नहीं, 2। यस सर, हीलियम का 4 होता 4 होता है बेटा, 4। 4 होते हैं। ओके सर, तो अच्छा सर, वैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, लेकिन हम 2 कंसीडर करते हैं क्योंकि वो डायटॉमिक उसमें होते हैं ना। बिल्कुल। सारी गैसेस जितनी भी होती है ना, सिर्फ वो ग्रुप 8 की जो गैसेस हैं, ग्रुप 8 की गैसेस हटाकर बाकी यस जितनी भी सर, गैसेस हैं सबको हम डायटॉमिक ही लेते हैं। तो हीलियम को भी हम लोग डायटॉमिक 4 कंसीडर करेंगे कि 8? नहीं, उसको हम हीलियम मोनोएटॉमिक गैस है ना, ग्रुप 8 की है ना। सॉरी, यस सर, सही। ठीक है, हाइड्रोजन की जगह सर ड्यूटीरियम दिया हुआ हो तो फिर उसका भी 2 ही होता है। ये ड्यूटीरियम को भी हम डबल ही लेंगे बेटा। तो सर उसका तो होता ही 2 है ना, एटॉमिक उसको मास। 4 लेंगे। उसको 4 ले लेंगे ना, 2 होता है 4 ले लेंगे। सर ये जिनॉन भी ग्रुप 8 का ही है ना, ग्रुप 8 की गैस वो है ना। जी बेटा, जिनॉन भी ग्रुप 8 की है, तो जिनॉन का मास भी जब हम कंसीडर करेंगे तो जिनॉन को भी हम तो वो मोनो ही लेंगे। मोनो ही लेंगे, मोनो ही लेंगे। जी सर, ठीक है। ठीक है भाई। अच्छा ये वलीद और सुफियान बेटा, आप लोगों से कुछ पूछा था मैंने, आप लोगों का जवाब नहीं मिला। वलीद सुफियान यस सर, ऐसा होगा। बेटा किसी में कोई इशू तो नहीं आ रहा ये पूछ रहा हूँ। सही नो सर, नो सर। है, सिग्निफिकेंट फिगर्स का हम देख रहे हैं। तो अगर मैं इन दो वैल्यूज को प्लस करूं तो रूल ये कहता है कि अब देखो यहाँ पर जो मुझे आंसर बताया जा रहा है वो क्या बताया जा रहा है, 6.3468 बताया जा रहा है। लेकिन पता है मैं 6.3468 नहीं बताऊंगा, मैं क्या बताऊंगा, 6.35 बताऊंगा। क्यों? देखो जो दो नंबर्स ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हैं, उन दो नंबर्स में देखो डेसिमल प्लेसेस सबसे कम किसमें, जिसमें डेसिमल प्लेसेस कम होंगी ना, और जितनी डेसिमल प्लेसेस होंगी आपके फाइनल आंसर में भी उतनी ही डेसिमल प्लेसेस होनी चाहिए। जैसे कि इसमें डेसिमल प्लेसेस कितनी है, 2, और इसमें डेसिमल प्लेसेस कितनी है, 4। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा उसमें डेसिमल प्लेसेस भी 2 होनी चाहिए। अच्छा सर, आपने फिर इसको 6.35 क्यों लिया, आप इसको 6.34 क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि 4 के बाद क्या है, 6। और हमने पढ़ा है कि अगर 5 से बड़ी वैल्यू आ जाएगी तो हम उसको ड्रॉप करने से पहले पीछे वाले नंबर में +1 कर देंगे। जब मैंने इन दोनों को ड्रॉप किया तो मैंने 4 को +1 किया, यानी 4 +1 क्या हो गया, 5, वो 6.35 ले लिया। इज दैट क्लियर? ये तो नहीं बोल रहा था सर, सही है। किसने नहीं बताया? तो सर, जी बेटा, तो सर इसको हम सर 3 4 है ना, तो हम इसमें अगर 3 में +1 कर लें। 3 में +1 नहीं कर सकते ना,
हमें आंसर दो डिजिट्स में देना है ना, डेसिमल के बाद दो प्लेसेस होनी चाहिए। सर आप कह रहे हैं एक में देना होता तो फिर हम प्लस वन करते, फिर हम थ्री में प्लस वन करते, थ्री में प्लस वन कर देते। सर नहीं कर सकते थे ना, फोर तो छोटा है फाइव से। अरे बेटे छोटा तो है लेकिन मसला ये है कि वो रूल अलग है, यहाँ पर क्या है कि आप उसके आगे के डिजिट्स को ड्रॉप कर रहे हो ना, फोर सिक्स एट इन डिजिट्स को ड्रॉप कर थ्री से तो बड़ा है ना फोर, ये चीज है। अब चूंकि आगे वाले डिजिट्स ड्रॉप हो रहे हैं, अगर सर टू होता थ्री फोर की जगह एग्जांपल दे दे, किसकी एग्जांपल दे दी, एक वाली की, अगर एक हो, एक करना हो ड्रॉप, एक करना हो तो इसको हटा दो नाइन को यहाँ से जी, अब क्या आंसर आ जाएगा, 3.4568 प्लस 2.8 आंसर आ रहा है भाई, आंसर आ रहा है 6.2568। अब मुझे आंसर देना है एक डिजिट में, डेसिमल प्लेस वन होनी चाहिए सर, सही है। तो डेसिमल प्लेस वन करने के लिए मैं इन सबको गिराऊंगा। अच्छा अब गिराने के लिए मुझे प्लस वन करना है या माइनस, प्लस वन करना है या माइनस वन करना है, इसका फैसला इसके प्रीसीडिंग डिजिट से होता है। अब यहाँ पे क्या नजर आ रहा है तुम्हें, एक ऑड नंबर नजर आ रहा है ना, ऑड नंबर है और वो क्या है, अच्छा फाइव नजर आ रहा है। सर बड़ा होता फाइव से तो हम प्लस वन करते, छोटा होता फाइव से तो हम माइनस वन करते, लेकिन ये तो फाइव आ गया, अब क्या करें। तो इसके पड़ोस को देखो, फाइव के बाद क्या है, सिक्स है जो कि एक इवन नंबर है, ठीक है, फाइव के बाद सिक्स है जो कि एक इवन नंबर है। तो फिर इसका मतलब क्या है, इसमें मैं ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, जल्दी बताओ, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, ऐड होगा, ऐड होगा, ऐड होगा 6.3 होगा। सर अगर जो है 6.32 होता तो 2 तो नहीं हो पाएगा ना फिर राउंड वो, 32 में बेटा ये छोटा है ना 3 से, अगर 3 से ये 3 से छोटा बोल रहा हूँ, ये 5 से छोटा है ना, तो अगर मुझे इस डिजिट को गिराना होगा तो मैं सिर्फ 6.3 लिखूंगा, मैं ऐड नहीं कर सकता। ओके सर, और कोई सवाल बेटा, चलो फिर आज यहीं तक रखते हैं, बाकी बात इंशाल्लाह कल करेंगे। और कल फिर सर 2 के अलावा कौन सा चैप्टर सबसे बड़ा है, 2 के अलावा बेटा 3 4 करवाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके नहीं भेज सकते, किसका स्क्रीनशॉट नहीं भेज सकता, जो आपने न्यूमेरिकल सॉल्व कराए हैं बेटा पूरी पीडीएफ दे दूंगा बस, सही है। हाँ अब तुम क्या कह रही थी बेटे, सर आप कल से 3 पढ़ाएंगे ना, बेटा 3 बोलो तो 3 पढ़ाएंगे, वैसे इरादा तो 3 पढ़ाने का है क्योंकि जो आपके टर्म एग्जाम होंगे ना फरवरी में उसमें 3 और 4 आना है, तो मैं पहले 3 और 4 ही पढ़ाऊंगा, और 3 और 4 बड़े भी हैं। ओके सर, 3 सर 1 से 4 आएंगे ना वो, और वो जो होगा ये लोग मिड टर्म लेने का कह रहे हैं कोचिंग वाले फरवरी में शायद, हाँ उसमें 3 तो उसमें तो 1 से 4 आएगा ना, हाफ सिलेबस, जी 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 ऐसा ही है, 3-4 आएगा। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कैलकुलेशन हम करते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की हम कैलकुलेशन करते हैं बाय मींस ऑफ इक्वेशन। ओके ठीक है, बाकी बात इंशाल्लाह कल, अब कल से 3 स्टार्ट करूं या न्यूमेरिकल जरा से देख के, क्योंकि या फिर नेक्स्ट वीक से 3 स्टार्ट करूं, जैसा बोलूं वैसा कर लूंगा। सर कल से ही कर दें, चलो बस डन हो गया, 3 कल से स्टार्ट करते हैं। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।